सांसद सह धनबाद लोकसभा क्षेत्र से अध्यक्ष पशुपतिनाथ सिंह की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक समाहरणालय में आयोजित की गई, जिसमें पिछले बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा करते हुए कई आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में सड़क नाली पेयजल आपूर्ति आंगनबाड़ी केंद्रों में उत्पन्न संकट को दूर करने विद्युत आपूर्ति में कटौती समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद समिति के अध्यक्ष सह सांसद पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि जल स्रोत के मद्देनजर तालाब की मरम्मती खुदाई डीएमएफटी फंड से कराने का निर्देश दिया गया है। बैठक में बोकारो विधायक विरंची नारायण, गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक समेत जिले के लगभग सभी अधिकारी मौजूद रहे। ग्रामीण विकास, पेयजल के संबंधी, बिजली संबंधी, सड़क संबंधी, ये सभी विभागों के अधिकारी आते हैं, फॉरेस्ट अफसर, एसपी, तो सभी विभाग के अधिकारी आए और सब प्रश्नों का उनसे समाधान हम लोग खोजने का प्रयास किए। फिर एसपी साहब आए, एसपी साहब से भी हमने कहा कि जिस प्रकार से आप हेलमेट चेकिंग कर रहे हैं, अच्छी बात है, रोड सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट का है कि नहीं, कागज़ पत्र है कि नहीं, आपकी पेट्रोलिंग पार्टियां घूमती रहती है,